मरने के, अगर एक आदमी मर गया है और आपने उसको जिंदा करते हुए हड्डियां तोड़ दी, तो जो हड्डियां तो हम जोड़ देंगे, लेकिन जिंदा आदमी में प्रैक्टिस नहीं करना। तो ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लेकिन मैसेज याद रखना, पास करना। ये एक मरा हुआ इंसान है, इसकी डमी है, मैं दिल्ली से लेकर आया हूं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, ऊपर तक सबको दिखाई दे रही है। इसको, मरे हुए आदमी को जमीन पे लिटा दो, सोफे पे नहीं, बिस्तर पे नहीं, और उसके बाद में सावित्री आसन की पोजीशन में बैठ जाओ। और सावित्री आसन है घुटने के बल खड़ा होना, घुटने के बल खड़े होने को सावित्री आसन बोलते हैं। इस पोजीशन में आप नहीं कर सकते, खड़े होके नहीं कर सकते, तो सावित्री आसन में आप बैठ गए। इसके बाद में सावित्री मुद्रा, सावित्री मुद्रा का मतलब है दोनों हाथों को बिना कोहनी को मोड़े सीधा कर लिया इस पोजीशन में। अगर आप ऐसे करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सावित्री मुद्रा, सावित्री स्थान, सावित्री मुद्रा। अब इसके बाद में ये छाती है मेरी, दो निप्पल के बीच में, बीच का हिस्सा छाती के बीचों बीच, चेस्ट बोन के बीचों बीच, यहां पे आपने दोनों हाथों को सीधा रख के बिना कोहनी को मोड़े इसके बीच में रख के इसको 100 पर मिनट की स्पीड से दबाते जाना है। दबाया ऊपर आया, 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 और कुछ नहीं करना, करते रहना है 10 मिनट तक, 11 मिनट तक, 12 मिनट तक, जब तक कर सकते हो, जब तक वो करके सांस लेके उठ ना जाए या कोई डॉक्टर ना पहुंच जाए। 100 में से कम 60 लोग बचेंगे। अगर अगर आप में से कोई आदमी उस वक्त में होता तो अमजद खान आज जिंदा होता, विनोद मेहरा आज जिंदा होता, संजीव कुमार आज जिंदा होता, शफी ईमानदार आज जिंदा होता। वो क्यों नहीं जिंदा हुए? क्योंकि घर वालों को ये नहीं आता था। और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं सीख सकते, सिंपल है।